Question is, what are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing? See, there are three things to answer in this question. One is, what are the challenges in food processing sector? Second is, what are opportunities in food processing sector? Third is, how can income of farmers be increased by encouraging food processing? Let us take one by one. First is challenges. The food industry in India is facing several challenges, like fragmented and small supply markets make it difficult to procure raw material. Means ke jo markets ya mandis jahan se food processing industry raw material procure karti hai ya purchase karti hai, ye markets small size ki hain aur ek jagah par nahi hai, fragmented hain, jagah jagah par bikhri hui hain. इसके कारण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अगर ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल परचेज करना हो तो उसे दूर दूर लोकेटेड कई सारी छोटी छोटी मार्केट से परचेज करना पड़ता है. सेकंड इज, देयर इज ओवर डिपेंडेंस ऑन एपीएमसी मंडीज फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. थर्ड इज, कोल्ड चेन की फैसिलिटी एडिक्वेट नहीं है. कोल्ड चेन इंक्लूड्स कोल्ड स्टोर्स फॉर स्टोरेज एंड रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट. Both of these are inadequate in India. Next is, there is lack of all-weather rural roads. Rainy season में ये roads block हो जाती हैं, जिसके कारण agriculture produce को transport करने में problem आती है. Next is, there is lack of adequate primary processing. Primary processing means farmers द्वारा village level पर ही crop को dry करना, quality के हिसाब से crop को sort out करके grading करना तथा उसे इंडस्ट्री तक सेफ तरीके से भेजने के लिए पैक करके कूल जगह पर स्टोर करना, ये सब कॉमन प्रैक्टिस में हमारे यहाँ पर नहीं है. नेक्स्ट इज, हमारे किसानों द्वारा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा भी क्वालिटी और सेफ्टी की तरफ एडिक्वेट अटेंशन नहीं दिया जाता, जिसके कारण प्रोसेस्ड फूड का डेवलप्ड नेशन को एक्सपोर्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इन देशों के फूड सेफ्टी को लेकर बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं. जैसे इंडिया की कई फूड आइटम्स को पेस्टिसाइड रेजिड्यू होने या कंटेमिनेशन होने के वजह से कई कंट्रीज़ ने इन फूड आइटम्स को इंडिया से इंपोर्ट करना बैन किया हुआ है. इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काफ़ी सारा भाग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग. स्मॉल स्केल की कॉटेज लेवल की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे किसान, नेस्ले, पेप्सी इत्यादि के साथ कंपीट करना बहुत मुश्किल है. नाउ कमिंग टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ ह्यूज पोटेंशियल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. सेकेंडली, बाय एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड इंडिया कैन अर्न फॉरन एक्सचेंज. थर्ड इज that with increase in food processing industry, the demand of agricultural produce will also increase. With increase in demand of agricultural produce, income of farmers will also increase. Food processing increases shelf life of the food. This helps to control the food inflation. Jaise frozen pea, frozen mutter off season mein bhi bahut kam daam par mil jate hain. Isse inflation means mehngai par control karne mein help milti hai. Fifth is, due to diverse agricultural climate of India, large variety of raw material is available for food processing industry. जैसे पंजाब से पोटैटो मिल जाएंगे, कश्मीर से एप्पल मिल जाएगा, महाराष्ट्र से ऑरेंज मिल जाएगा. इस तरह इंडिया में फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत वैरायटी है और इंडिया इज़ अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट ऑफ प्रोसेस्ड फूड ऑल्सो. सो दिस इज म्यूचुअली बेनिफिशियल सिचुएशन फॉर फार्मर्स एज वेल एज इंडस्ट्री. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इनकर्ज करके फार्मर की इनकम सब्सटेंशली इंक्रीज की जा सकती है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ने से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एट्सेट्रा, इनकी डिमांड बढ़ेगी. डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी किसान को उतनी ज़्यादा कीमत मिलेगी, इससे किसान की इनकम बढ़ेगी. हाउएवर there is need to remove the middleman between farmers and industries. There is need to reduce the dependence on APMCs. जैसे agricultural produce की sale purchase APMC mandis के through होती है,
और इसे जो है ना, ये जो एपीएमसी मंडीज की डिपेंडेंस है इसको कम करना होगा, और जो एपीएमसी मंडीज के लिए जो सेल हो परचेज एग्रीकल्चर गुड्स की है और इसको फ्री करना होगा। किसानों को अपनी फसल एपीएमसी मंडीज के बाहर बेचने का अधिकार देना होगा। इससे किसानों को अपनी क्रॉप का बेटर प्राइस मिलेगा। फार्मर्स को या रूरल वुमेन को फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है, जिससे कि वो कॉटेज लेवल की फूड इंडस्ट्री शुरू कर सके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू कर सकें, और गवर्नमेंट को इन्हें मार्केटिंग में भी हेल्प करनी होगी। इससे किसानों की इनकम बढ़ेगी। थैंक यू।